एक लंबे अरसे से विधायक नगरवासियों और जनप्रतिनिधि द्वारा महाविद्यालय की मांग की जा रही थी, तब जाकर सेगावा और भगवानपुरा को महाविद्यालय का दर्जा मिला है। वही क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डावर ने बताया कि मेरे द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार सेगावा और भगवानपुरा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने सेगावा और भगवानपुरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए महाविद्यालय की मांग की गई थी, क्योंकि महाविद्यालय के अभाव में प्रतिदिन महाविद्यालय में पढ़ने के लिए सैकड़ों विद्यार्थियों को खरगोन बड़वाने जाना पड़ रहा था, जिनमें से खासकर छात्राओं को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आखिर सरकार जागी और सेगावा और भगवानपुरा को महाविद्यालय का दर्जा मिला है। दोनों विकास खंडों को महाविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद महाविद्यालय इस सत्र से प्रारंभ होने पर विधायक डावर और नगरवासियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिक्षा मंत्री का आत्मीय आभार व्यक्त किया है। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। सेगांव को महाविद्यालय का दर्जा मिला है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत खुश हैं कि सेगांव को आज महाविद्यालय की सौगात प्राप्त हुई है। हम हमारे माननीय विधायक महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सेगांव की इस विशाल समस्या को देखते हुए यहां पर कॉलेज की मंजूरी प्राप्त करवाई। उसके लिए हम विधायक जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या नाम लिखते हैं? देवेंद्र मंडलोई। सर, महाविद्यालय को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बड़ी खुशी की बात है क्षेत्र के लिए कि लंबे समय से सेगांव क्षेत्र में यहाँ की जनता मांग कर रही थी, वो अब पूरी होने जा रही है और शासन ने सेगांव में महाविद्यालय स्थापना के लिए निर्देश दिए हैं। इसका अभी अग्रणी महाविद्यालय ही मेंटर रहेगा, संचालन वहीं से होगा। यहाँ अभी शाखा खोली है और छात्रों से सहमति पत्र लेकर उन्हें आगे उच्च शिक्षा विभाग में प्रेषित किया जाएगा। क्या नाम लिखते हैं? मैं डॉक्टर यूएस बघेल। ये कहाँ से प्रारंभ होगा सर सेगांव में? ये कौशल विकास केंद्र में अभी प्रारंभिक व्यवस्था की गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।